डेंगू हमारे बच्चों को तीन तीन चार चार बार, हर साल में तीन तीन चार चार बार हो जाता है, मलेरिया हो जाती है, टाइफाइड हो जाते हैं हमारे बच्चों के, तो वो पैसे क्या सरकार हमको देगी? समस्या तो तुसी देख लियो सारी जेड़ी समस्या हैगी है, सारे नु दिखदा हैगा किन्ना गंद पया हैगा, की हाल हैगा गली दा। इधर देखो सारा साडे मकाना दी कीमत बिल्कुल डोन होई पई है। इसका ये भी आएगा तो जुतियां खा के जाएगा और कुछ नहीं मिलना है, तो वोट बार तो मिलना ही नहीं है, तो छोड़ दे वो, इसको वोट मिलेंगे, कोई वोट नहीं मिलना है इसको। वोट मंगने आ जाते हैं, वोट ले लेते हैं, हर बार एमसी आ जाता है, गली में एक दिन चक्कर नहीं मारता पांच साल में। जब वोट का इलेक्शन का टाइम आता है, जब वोट मांगने इस बार आएंगे तो हम तो जूतियां मारेंगे। हमारे 35 साल हो गए हमारे तो यही है, यहाँ पर कोई सड़क नहीं बनती, कूड़ा गंद इतना, बहुत नालियाँ बड़ी पड़ी है, अंदर पानी जाता है, सारी गली की समस्या आते है, देख कर चल जाते, वोट दे दो वोट दे दो। सारी पीछे बाणियों का मल्ला है, जो उसका एमसी का खुद का मल्ला है, वो तो अच्छी तरह बना रखा है सबने, सारी सड़कें बना रखी है, सारी सुविधा उधर दे रहे हैं हमारे, हम क्या वोट नहीं डालते, बाणियां कल्ले डालते हैं वोट। ओनू लड्डू भी खुआने असी, बेइज्जती भी करते हैं असी। हूं तो बस जूतिया पैन वाला काम है। हम नहीं वोट देंगे एमएलए से, हमारी सड़क नहीं बनेगी जब तक हम वोट नहीं देंगे, हम बस मांगने आएगा उसके साथ क्या, हाँ उसके साथ हम जूतियाँ मारेंगे, हम तो कोई वोट लेने आएगा तो। आज ही कसम खाई हुई जो सड़क नहीं बनती ना, उस वक्त अभी पहले बाल दिखती रहेगी। रिश्तेदार बाल बढ़ा सुने तरह अच्छा चुटाला सरकार आ गई तो बाल सो परमात्मा इनकी भी सुने अभी तो। बीमारियां डेंगू इतने मच्छर बहुत है, ठीक है, हर बार दवाई छिड़कते हैं कोई असर नहीं है किसी गल का, तो लकड़ा के बच्चों सप निकलते घट तो घट पांच पांच सत सत फुट के सप निकलते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, आर बी लाइव मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं हाँ रुपेश बांसल, तो अज मैं पहुंचा फाजिलका के वार्ड नंबर 20 दे विच। वार्ड नंबर 20 दे विच एक गली है जिसनों खातियां वाला मुहला किया जाता है, जिस दे विच लगभग 70 घर रहिंदे हन अते 250 वोटां इस मुहल्ले दीआं हन। इस मुहला वासियों का कहना कि पिछले 30 सालों तो इन्हां दी गली का निर्माण नहीं होया, लेकिन और गंदगी दे आलम दे विच लोग जी रहे हन। मुहला निवासियों के रोष है, इन्हों का कहना है कि हर बार सियासी पार्टियां के आगू इत्थे आउंदे हन और वोटां लैके चले जाते हैं, लेकिन उन्हां वल्लों इन्हां दी कोई भी मंग नूं पूरा नहीं किया जाता और गली का निर्माण पिछले 30 साल तो नहीं होया, जिसके चलद इन्हों वलों इस बार वोटों के बाइकाट का ऐलान किया गया। इन्होंने इन्हों का कहना है कि जो कोई नेता इत्थे वोट मंगन आएगा उसका पूरा मान सम्मान किया जाएगा, और मान सम्मान किस तरह का होएगा इन्हों गलबात करते हैं। पहला चलते हैं लेडीज के कोल ते जानते हैं कि किस तरह का मान सम्मान इन्होंने वालों किया जाएगा। उन्होंने बहुत बुरा होएगा, समस्या की है और किस तरह वो समस्या तुसी देख लियो सारी जेड़ी समस्या हैगी है, सारे नु दिखता है किन्ना गंद पया है, की हाल है गली का। इधर देखो सारा साडे मकाना की कीमत बिल्कुल डोन हो पई है इस करके। किन्ने साल तो मैं 30-35 साल हो गए इतने
ਤੇ ਆਈਓ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਐਮਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਵਾਣੇ ਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਬਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਏਗੀ ਹੁਣ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ यही है भी आएगा तो जुतियां खा के जाएगा और कुछ नहीं मिलना है तो वोट बार तो मिलना ही नहीं है तो छोड़ दे वो इसको वोट मिलेंगे कोई वोट नहीं मिलना है उसको समस्या क्या है समस्या तो यही है सांप और बिच्छू बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं बुजुर्ग है वो चल नहीं सकते हैं गली के अंदर कहाँ जाएंगे वो इतनी बारिश होएंगे तो महीने महीने तक तो हमारी गली का कीचड़ नहीं सूखता है फिर बताओ हम कहाँ जाएंगे क्या करें किससे जाकर दरखास्त लगाए हम है समस्या ही समस्या हमारे तो हाँ जी आपका क्या नाम हमारे बच्चे बारिश में पाँच पाँच दिन सुशीला रानी जी क्या कहेंगे किस तरह की समस्या है हमारे ये ना बारिश आती है जब बच्चे पाँच पाँच छः छः दिन स्कूल नहीं जा सकते बारिश में हम बाहर नहीं निकल सकते गंद नाली का निकाल निकाल के गेट के आगे छीट देते हैं तो बच्चे बाहर नहीं निकलते तो गंद में भरे जाते हैं हमारे बुजुर्ग बाहर नहीं जा सकते डेंगू हमारे बच्चों को तीन तीन चार चार बार हर साल में तीन तीन चार चार बार हो जाता है मलेरिया हो जाती है टाइफाइड हो जाते हैं हमारे बच्चों के तो वो पैसे क्या सरकार हमको देगी वोट मंगने आ जाते हैं वोट ले लेते हैं हर बार एमसी आ जाता है गली में एक दिन चक्कर नहीं मारता पाँच साल में जब वोट का इलेक्शन का टाइम आता है जब वोट मांगने इस बार आएंगे तो हम तो जुतियाँ मारेंगे हाँ सारी पीछे बाणियों का मल्ला है जो उसका एमसी का खुद का मल्ला है वो तो अच्छी तरह बना रखा है सबने सारी सड़कें बना रखी है सारी सुविधा उधर दे रहे हैं हमारे हम क्या वोट नहीं डालते बाणिया कल्ले डालते हैं वोट सफाई कर्मचारी आता है जी कोई यहां कोई नहीं आता 15 साल से मैं देख रही हूँ कोई नहीं आया हमारी शादी के बाद हमारी सास और जिठानियाँ बोलती है 30-30, 35-35 साल से नहीं आ रहे तो हमारे को ये सड़क बनानी बना के दो तो नाले बना के दो सीवर डाल बना के दो हमारी तो यही उनसे अपील है आप क्या कहेंगे हमारे 35 साल हो गए हमारे तो यही है यहाँ पर कोई सड़क नहीं बनती कूड़ा गंद इतना बहुत नालियाँ बड़ी पड़ी है अंदर पानी जाता है सारी गली की समस्या आते हैं देख कर चल जाते वोट दे दो वोट दे दो जब वोट देते हैं कहते हैं कान मरोड़ के हमारे को ले जब कहते हैं कूड़ा चक ले जाओ फिर आता ही नहीं एमसी वार्ड का इस बार इलेक्शन हुआ था तब आपने उसे हाँ बोला था हमें क्या बना देंगे बना आई बार बोलता है 35 साल हो कोई नहीं देखता हमारी गली को कहते हैं ना तो पानी भी डालना आते हैं ना हम बोला इतना गली का बुरा हाल हो रहा मुड़ के आई ही नहीं वो एमसी वो बहुत बुरा हाल हो रहा हमारी सड़कें बनाओ नहीं यार सांप से लीटे निकलते हैं बिच्छू करोना इतना बीमारियाँ हो रही है डेंगू 2 बार ही हो गए मेरे लड़के को बहुत समस्या है भी हमारे 35 साल हो गए हमारे गली सड़क नहीं बनती है हमारे नालियों का गंद बहुत निकलता है तो सांप स्लेटे निकलते हैं बिच्छू निकलते हैं तो हमारा डेंगू बहुत हो जाता है बच्चों को बीमारी बहुत फैल रही है हमारी गली में तो इसको कोई सुधार करो इस सड़क का ऊपर इसको अब जब एमएलए के इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या फिर आप कैसे वोट दोगे कि नहीं ना हम नहीं वोट देंगे एमएलए से हमारी सड़क नहीं बनेगी जब तक हम वोट नहीं देंगे हम बस मांगने आएगा उसको साथ क्या हाँ उसके साथ हम हाँ जूतियाँ मारेंगे हम तो कोई वोट लेने आएगा तो हमारी सड़क पहले बनेगी फिर हम वोट देंगे 35 साल हो गए हम हमारी ऐसे गली का नर्क बने रहा सारी गली के अंदर सड़क बननी चाहिए हमारी जब वोट मिलेगी क्या नाम है आपका सर मेरा नाम सोनू है सोनू जी की कहोगे किस तरह की समस्या आ रही है सर 25 सालों तो भावना नाल खेडा जा रहा है कांग्रेस पार्टी ते बीजेपी पार्टी दोनों आके दिलासा दे जाते हैं ते वोट मंग के लै जाते हैं ते ना कोई साड़ी सुनवाई हो रही इन्ने साल असी सारे पासे चक्कर कमेटी दे और SSP ऑफिस DC ऑफिस तक असी एप्लीकेशन देती हैं साड़ा कोई भी काम कोई सुनवाई नहीं हुई ते इत्थे गली दे विच एक तां लकड़ां जिहड़ी ट्रालियां दे ट्रैफिक दी बहुत समस्या हैगी है बच्चे निकलते हैं बाहर कोई ट्राली थले आ जाता किसी के पैर ते सट वज जाती है कदें की हो जाता कदें की हो जाता बीमारियां डेंगू इत्थे मच्छर बहुत है ठीक है हर बार दवाई छिड़कते हैं कोई असर नहीं है किसी गल का तो लकड़ा के विचों सांप निकलते हैं घट्टों घट्ट 5-5, 7-7 फुट के सांप निकलते हैं हुण भी ये पार्क हैगा पार्क बाग हैगा बाग के विच इन्ने सांप हैगे है आए दिन रात नू 3-4 सांप मतलब गली के विच गेड़े मतलब चलते फिरते देखे मैं आप तो मैं उन्होंने छिपुरी भी छड़ के आया कई बार तो लकड़ा दे नाल मतलब बिच्छू निकलते हैं जवाकों के कई बार पैरों के भी लड़ जाते हैं तो रातों रात कोई डॉक्टर हूँ जिमें हूँ किसान का कई बार डॉक्टर नहीं मिलता तो कल कोई यहोजी होगी कोई गलबात तो कौन जिम्मेवार है या तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है तो BJP जिम्मेवार है
की समझते हो क्यों तुहाडे नाल इस तरह का सुतेला व्यवहार हो रहा है? सर एक तो इत्थे पार्टीबाजी ज़्यादा चलती है, पार्टीबाजी इत्थे एक तो कांग्रेस पार्टी एक तो बीजेपी पार्टी, कुछ बंदे है कांग्रेस पार्टी वाले, कुछ बंदे है दो तीन घर है जेडे कांग्रेस पार्टी के, वह कहते भाई सड़क ना बने, सड़क ना बने तो आवाजाही साड़ी, सड़क जब तैयार होगी आवाजाही बंद हो जानी है, लकड़ा का काम इत्थे बंद हो जाना है। जबकि सरकार ने लकड़ा का जड़ा काम हैगा हड्डा रोड़ी ते उन्होंने जगह दिती हुई है, फिर भी ये मतलब लकड़ा उत्थे नहीं सड़ते, मतलब गली दे विच आके होर बाकी कोई भी सड़क या गली दे विच जाके तुसी देख लो उत्थे कोई लकड़ नहीं मिलेगी, सारे पासे डस्टबिन लगे हुए, सारा जिहड़ा जिन्हां दा घर दा कचरा है डस्टबिन दे विच जांदा है, नाली की समस्या हैगी है, सीवरेज की समस्या हैगी है, सारी ही समस्या ही समस्या है। ये बहुत ज्यादा खराब कर रहा है माल, तो लकड़ा की वजह से ना बैठन ना जगह रहे ना सोन ना जगह रहे, बहुत मुश्किल हो रही है। कई बार तो सांप आ जाए, दो तीन बार तो सांप काटा घर से, बताओ भाई के करा। अब बुढ़ापो आ गए, बुढ़ापे कदर की से लड़ा आ से लड़े कुछ जावे, क्यों जो तगड़ा आदमी है के करा, फिर गरीब आदमी है भाई, या सड़क बननी चाहिए पूरी जदी सहूलियत हो सके गरीबा ने, नहीं तो कोई फायदा कोई नहीं। आगे इतना साल हो गया अगर राज हो जदी तो अगला बढ़न को नहीं थी, राज भी कोई नहीं बढ़न दे रहा, बताओ बननी चाहिए है, बननी चाहिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो बच्चे कल ना कोई जानवर आवे तो कहा काट दे तो मुश्किल हो जाए, आऊँ कुछ ही को नहीं बिगड़े, मेरे तो आपकी घराली गिरी उड़े लकड़े की वजह से, रुपया 7,000 लगाया है ना पूछो सारा ने, सारो एक्सीडेंट हो गए सारो, बताओ अब टप्पन ना रहे औरतान जगह ना हो तो मैं खड़ा जाएगी। कितने कितने साल हो गए गली बनी को आपकी? आज 20 साल से ऊपर हो गया, 20 साल हो गए। हाँ 1995 ये बनी थी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सन्नी कुमार है जी। सन्नी जी की कहोगे की समस्या थोड़े समस्या ही समस्या जी, तुसी आ वेखो एक बारी कैमरा उत्थे मारो, तुसी एक बारी वो काम चल रहा है, नालियां वेखो घर विच पानी वेखो, ये सिर्फ दो घर एक पासे है ते 35 घर एक पासे है, दो कराई चलदी है 35 दी नहीं चलदी। की कारण मंदे हो क्यों चलदी दो करा दी और 35 दी क्यों नहीं चलदी? बस सिर्फ पार्टी बाजी वैसे और कुछ नहीं हैगा, ये सारे प्रशासन नाल मिले हुए जी, असी सारी एप्लीकेशन दित्ती हुई है, आ वेखो गली भेदभाव हो रहा है एससी बीसी करके, क्योंकि इस गली एससी बीसी बंदे ज्यादा रहिंदे ने, हुण पोलिटिकल पार्टियां हैगियां, हुण जिवें तुसी एमसी साहब नूं लै लो या किसी नूं भी लै लो, क्योंकि उन्हां दी जिहड़े वार्ड दी गलियां हैगियां उन्होंने 35 सालां च मेरे हिसाब नाल 5-5 वारी बन चुकियां होणगियां, साडी 30 सालां दे विच एक वारी भी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि इत्थे एससी बीसी दे बंदे रहिंदे ने, एससी बीसी करके भेदभाव हो रहा, आईओ मेन रोल है। असीं सीएम साहब तो रिक्वेस्ट करने आ चन्नी साहब सरदार जी चन्नी साहब को भी ये भेदभाव खत्म किया जाए तो जल्द तो जल्द साड़ी गली का निर्माण कार्य चालू किया जाए। फैसला की लिया गया पूरे महल वालों? फैसला ये लिया गया सर भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सियासी पार्टी जदों तक साड़ी गली का काम नहीं होगा, कोई भी साड़ी गली जो वोट मंगन आएगा तो वह असी पूरा मान सम्मान करांगे, तो वह आपका खुद जिम्मेवार हो गए। मान सम्मान किस तरह का होएगा? मान सम्मान तो फिर 29 साल तो जो भेदभाव हो रहा है उन्होंने आप नू सोचना चाहिए कि साडा मान सम्मान होगा जी। सानू बुलाओगे साडा मकान बने पे रेंटर पाया पे तो एक मामूली गली पिछे जी उखाई हुई है जी, इन्होंने सारे तुसी कोई पुराना ले आया कोई गली नू बनान? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਮਲ ਵੋਟ ਰਾਜ ਲੋਕ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਇਸ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ,
ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੜਕ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਜੇ ਸਰ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੈਨੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਵਾਈਏ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਲੰਘੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆ ਕੀਤਾ ਪੰਜ ਚਾਰ ਘਰਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਰਕ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਬੋਹ ਮਾਰਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਬੋਹ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੇ ਗੰਦ ਜੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕੇਗਾ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਮਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਇਸ ਕਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਖੜਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਕਟਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸਰ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਵਧਾ ਲਏ ਸੁਣੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸੜਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏਗਾ ਉਸਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ